नमस्ते, आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही वाली भिंडी। ये जो दही वाली भिंडी है ना, इसका स्वाद इतना बढ़िया है, रोटी के साथ लो, चावल के साथ लो, या ऐसे ही खाओ। भिंडी तो बच्चे हो या बड़े, सभी को पसंद ही आती है। अलग अलग तरीके से बनाएंगे ताकि आप और भी मज़े से खा सकें। 400 ग्राम मैंने भिंडी ले ली है, पानी से अच्छे से इसे वॉश करके साफ़ कपड़े से पोंछ कर ऊपर नीचे से थोड़ा सा काट कर बीच में मैंने आधे तक कट लगा लिया सारी भिंडियों में। गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी, इसके अंदर मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो ये भिंडी डाल देनी है। इसे आपको खुला ही भूनना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। बस इस तरह से भूनेंगे, मुझे पता है ये कच्ची रहेगी, पर तो भी आपको इसे 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि ये ऊपर से एकदम कुरकुरी क्रिस्पी हो जाए। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो ये वाली जो भुनी हुई भिंडी है इसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। सच बता रही, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। प्लेट में निकालने के बाद वही कढ़ाई में मैंने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच तेल और, जैसे गर्म हो जाए, आधी छोटी चम्मच जीरा, 3 से 4 प्याज इस तरह से बारीक कटे हुए, और 2 बारीक कटी हरी मिर्ची, दोनों को डाल दीजिए और इसे आपको अच्छे से भूनना है। ध्यान रखना प्याज को आपको जलाना नहीं है, पर हल्का गुलाबी हो जाए तब तक आपको इसे भूनना है। साथ साथ मैंने आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट भी डाल दिए हैं और इसे और भूनती जाऊंगी। प्याज को एकदम ज़्यादा नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो ये सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ सकता है। देख सकते हैं जो प्याज है लाल नहीं हुआ, एकदम जला हुआ नहीं है, बस इस तरह से हल्का सा गुलाबी हो गया है। तो मैं अब इसके अंदर सबसे पहले डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह से मिलाने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेन एक चीज़, वो है दही। ये दही वाली भिंडी है ना, 1 कप इसके अंदर ये ताजी घर की जमाई हुई दही, या फिर मार्केट की भी ले सकते हैं, डाल दीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद ये भुनी हुई भिंडी आपको डाल देनी है और इसे और अच्छे से मिलाना है। ये सब्जी में पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो बस देखिए इस तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी कि बिल्कुल धीमी आँच पर, लगभग आपको 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन को इस तरह से खोल लीजिए, अच्छे से इसे मिला लीजिए। बनकर तैयार है ये बढ़िया सी दही भिंडी की सब्जी। सच बता रही, इसका स्वाद इतना गज़ब का है, इतना गज़ब का है ना, तो ट्राई करना गर्मा गर्म गेहूँ के आटे की रोटी, या बाजरे के आटे की रोटी, या चावल के आटे की रोटी, या फिर चावल के साथ। बहुत 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 ही टेस्टी लगती है, ट्राई करना। और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना आ जाए। थैंक यू फॉर वॉच।